हेलो गाइस, आज इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं एलासोन एसटी क्रीम का। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इस क्रीम को यूज़ करने से आपको क्या क्या बेनिफिट होते हैं और इस क्रीम के आपको क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस क्रीम को किस तरीके से यूज़ करनी चाहिए ताकि ये क्रीम आपके फेस पर कोई भी साइड इफेक्ट क्रिएट न कर सके। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, ये एलासोन एसटी क्रीम यहाँ पर आपको इस तरीके की बॉक्स में देखने को मिल जाती है। एंड गाइस, इस क्रीम के मेडिसिन कॉम्पोजिशन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें तीन मेडिसिन का यूज किया गया है, हाइड्रोक्विनोन, ट्रेटिनोइन एंड मोमेटासोन फ्यूरेट्स। एंड गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके नीचे में लिखा हुआ है एलासोन एसटी स्किन क्रीम। इस क्रीम के प्राइस और वेट की बात करें तो हमारे आप देख सकते हैं हमारे पास आज 15 ग्राम का पैक है और इसका प्राइस है 125 रुपीज़। और ये क्रीम आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाएगी या वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी जाके आप इसे बाय कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, बात कर लेते हैं इस क्रीम को यूज़ करने से आपको क्या क्या बेनिफिट होते हैं। अगर आपके फेस पर दाग धब्बे और झाइयों जैसी कोई भी प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में आप इस क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। गाइस, इस क्रीम को इंडिया में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है झाइयों जैसी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। गाइस, इस क्रीम में यूज़ किया गया है हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन आपकी स्किन को वाइटनिंग देता है, यानी हाइड्रोक्विनोन आपकी स्किन को गोरा करने का काम करता है। एंड गाइस, इस क्रीम में ट्रेटिनोइन का भी यूज़ किया जाता है। गाइस, ट्रेटिनोइन का काम यह होता है कि आपके फेस पर जो भी दाग धब्बे और झाइयों जैसी कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो ट्रेटिनोइन आपके फेस से उन सभी प्रॉब्लम को ठीक करने में काम करता है। एंड गाइस, इस क्रीम में मोमेटासोन का भी यूज़ किया जाता है। गाइस, क्या होता है कि जब आप अपने फेस पे हाइड्रोक्विनोन और ट्रेटिनोइन यूज़ करते हो तो आपके फेस पे रेडनेस आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो गाइस, आपकी स्किन पर रेडनेस जैसी कोई भी प्रॉब्लम ना हो तो इसके लिए इस क्रीम में मोमेटासोन फ्यूरेट्स का यूज़ किया जाता है। सो गाइस, अगर आपके फेस पे दाग धब्बे या चिकन पॉक्स जैसे निशान हैं या आपके फेस पे झाइयाँ हो चुकी हैं तो उस कंडीशन में आप इस क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, ये तो हो गए इस क्रीम के बेनिफिट। तो चलिए गाइस, इस क्रीम के साइड इफ़ेक्ट की भी बात कर लेते हैं। इस क्रीम को यूज़ करने से आपके फेस पे रेडनेस आ सकती है और आपके फेस पे हल्की हल्की जलन भी हो सकती है। गाइस, अगर ऐसा होता है तो आपकी स्किन इस क्रीम को सूट नहीं कर रही है, आप इसे लगानी बंद कर दें। तो चलिए गाइस, बात कर लेते हैं कि आपको इस क्रीम को किस तरीके से यूज़ करना है। गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है अप्लाई 30 मिनट बिफोर बेड टाइम। तो गाइस, रात को सोने से आधे घंटे पहले आपको अपने फेस को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है और अच्छे से क्लीन कर लेना है। एंड गाइस, आपको एक बात का और ध्यान रखना है, आपको इस क्रीम को अपने पूरे फेस पे नहीं लगाना है, आपको इस क्रीम को उसी एरिया पे लगाना है जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है। सपोज कीजिए आपकी नाक पे झाइयाँ हो चुकी हैं तो आपको केवल अपनी नाक पे ही इस क्रीम को लगानी चाहिए। एंड गाइस, मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस क्रीम को प्रेग्नेंट वुमेन बिल्कुल भी यूज़ ना करें। एंड गाइस, लास्ट में आपसे यही कहूँगा, इस क्रीम को यूज़ करने से पहले आपको एक बार डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लेनी चाहिए। सो गाइस, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।